आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छक्कों के सौदागर युवराज सिंह की। ये ऑपोजिंग टीम के छक्के छुड़ा देते थे। जी हाँ भैया, 6 छक्के मारने वाले युवराज सिंह, और क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे। दोस्तों वर्ल्ड कप चल रहा है और बहुत दुख की बात है दोस्तों कि वर्ल्ड कप में हमको युवराज सिंह देखने को नहीं मिल रहे हैं। उल्टा युवराज सिंह ने 2019 में हाल ही में एक हफ्ते पहले रिटायरमेंट ले लिया। सारे फॉर्मेट्स ऑफ द गेम से ये रिटायर हो गए और हमने युवराज सिंह को खेलते हुए देखा है। हमने अपने क्रिकेट की शुरुआत ही युवराज सिंह को देखते हुए की थी, जब वो कमाल की उन्होंने नेटवेस्ट सीरीज जिताई थी। उन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप में जो इनिंग्स खेली थी वो यादगार रही हैं, और आज युवराज सिंह का रिटायरमेंट ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। लेकिन हम युवराज सिंह को जरूर ट्रिब्यूट देंगे, भले ही बीसीसीआई ने नहीं दिया हो। ये बीसीसीआई का कुछ रुख सही नहीं लगता है कि आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे युवराज सिंह को, ये सब मैच विनर्स रहे हैं और इनको ऐसे एग्जिट दी जाती है जैसे कुछ इन्होंने किया ही नहीं। कम से कम एक मैच तो इनको जरूर खिलाना चाहिए था, और चाहे जो भी सीनियर प्लेयर्स हो, और इनको मैदान पे एग्जिट देनी चाहिए थी, एक प्रॉपर रिस्पेक्टेड एग्जिट देनी चाहिए थी। लेकिन अब वो बीसीसीआई का मानना है, हम कौन होते कुछ बोलने वाले। तो युवराज सिंह की आज हम बात करेंगे, कुछ चुनिंदा इनिंग्स की बात करेंगे जो कमाल की रही है, और इनके करियर को भी देखेंगे, इनकी अर्ली लाइफ को भी देखेंगे। बड़े ही कमाल के इवेंट्स आने वाले आपके सामने। सिरनस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 2020 में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो स्टडी आईक्यू ने पूरे सिलेबस को, इस एग्जाम को कवर किया है। इंडिया की टॉप फैकल्टीज यहाँ पे पढ़ाती है, ₹625 प्रति महीने से स्टार्ट है, आज ही अवेल करिए। तो अगर हम युवराज सिंह की बात करते हैं, तो वैसे तो उनसे जब भी पूछा जाता है बोलते हैं कि मैं टेस्ट प्लेयर हूं, लेकिन टेस्ट में इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक रहा है, बहुत ही एवरेज रहा है। लेकिन जब भी पूछा गया है कि आप क्या ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो इनका जवाब टेस्ट, और टेस्ट ही रियल टेस्ट होता है, नाम ही है ना टेस्ट। लेकिन इनको जाना एज एन ODI स्पेशलिस्ट और T20 स्पेशलिस्ट जाना जाता है, ठीक है ना। इनका जो नाम है ना, ये ODI और T20 से ही हुआ है। अब आप देख लीजिए दोस्तों, टेस्ट में तो इनका आना जाना रहा है, तो टेस्ट जो इनका टेस्ट करियर है वो तो ठीक ठाक है। 40 टेस्ट इन्होंने खेले, 1900 रन और 34 की एवरेज है, ठीक है, एवरेज है। उसके बाद अगर हम देखें ODI में, देखिए आप 300 से ज्यादा वनडे खेले, बहुत ही कम ऐसे भारत में प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा वनडे खेले हैं। 8,000 से ज्यादा रन बनाए, 36.5 की एवरेज, बहुत ही रिस्पेक्टेड एवरेज होती है दोस्तों 36.5 की एवरेज। अगर आप 200 से ज्यादा वनडे खेले हैं और अगर आपकी 35 से ज्यादा एवरेज है, तो कमाल के प्लेयर हैं आप। T20 में देख लीजिए आप, 58 मैच खेले हैं, 1100 रन और 28 की एवरेज, ये भी बहुत ही रिस्पेक्टेड T20 में बहुत ही बढ़िया एवरेज है, ठीक है। ODI में इन्होंने 14 बार शतक लगाया है और 52 बार अर्धशतक लगाया है, ठीक। और टेस्ट में इन्होंने 3 बार शतक और 11 बार अर्धशतक। बॉलिंग में भी बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, ये एक ऑलराउंडर रहे हैं भैया। 2011 वर्ल्ड कप में तो कमाल ही कर दिया था, इवन जब इन्होंने डेब्यू भी किया था तब भी एज एन ऑलराउंडर इन्होंने किया था, और इनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया, कमाल थी, बहुत कमाल की थी, विकेट्स बहुत ज्यादा रहते थे। बाद में इन्होंने बॉलिंग छोड़ दी और ज्यादा इन्होंने फोकस जो है वो बैटिंग पे किया, ये बहुत ही अच्छा किया। बॉलिंग एवरेज भी इनका ठीक रहा है, 38 का एवरेज है जो दोस्तों, जो कि ODI में ठीक माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम युवराज सिंह की बात करें, तो इनका जन्म जो है 5 दिसंबर 1981 में हुआ, 1981 1981, 2 साल बाद भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। अब युवराज सिंह के पिताजी हैं योगराज सिंह। युवराज सिंह से एक बार पूछा गया था कि आप इस मुकाम पे हैं तो श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो उन्होंने सीधा बोल दिया योगराज सिंह को, अपने पिताजी को। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूं, योगराज सिंह जो थे वो भी अपने समय में अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, तेज बॉलर रहे हैं, लेकिन योगराज सिंह का ये कहना है कि कुछ कॉन्स्पिरेसीज हुई थी उनके साथ, कुछ प्लेयर्स ने मिलकर और कुछ ऑफिशियल्स ने मिलकर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उनके खिलाफ साजिश हुई थी, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब युवराज सिंह पे आते हैं। युवराज सिंह, नन्हे युवराज सिंह क्रिकेट से बिल्कुल दूर रहते थे, क्रिकेट में इनको जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। टेनिस बहुत बढ़िया खेलते थे, स्केटर बहुत बढ़िया थे, स्केटिंग बहुत बढ़िया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि युवराज सिंह रोलर स्केटिंग में चैंपियन बन गए, वो फर्स्ट आए, ट्रॉफी लेके घर आए, अपने पिताजी को दिखाया कि पापा मैंने रोलिंग स्केटिंग में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और मैंने प्राइज जीता है। उनके पिताजी ने वो प्राइज पकड़ा, सीधा बाहर फेंक दिया, बोला कि आज के बाद तू सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलेगा,
इसके अलावा अगर तूने कुछ भी सोचा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, याद रखना तेरे हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। तू सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलेगा। बाहर इनके बंगले के बाहर एक गार्डन हुआ करता था। युवराज सिंह ने क्या किया, उस पूरे गार्डन को मैदान में बदल दिया, एक क्रिकेटिंग ग्राउंड में बदल दिया। वहां के सारे पेड़ पौधे हटा दिए, पिच बना दी। 22 यार्ड की पिच होती है दोस्तों, इन्होंने जो पिच बनाई वो 16-17 यार्ड की बनाई थी, छोटी पिच बनाई थी। अब सोचिए आप, युवराज सिंह उस समय 13-14 साल के थे, युवराज सिंह को बैटिंग कराते थे। उस 17 यार्ड की पिच पे योगराज सिंह फास्ट बॉलिंग करते थे, इतनी तेज बॉलिंग करते थे, और वो पिच बॉलिंग पिच थी, बैटिंग पिच नहीं थी। सारे फैमिली वाले बोलते थे, जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, कि बाप पागल हो गया है, बेटे को मार डालेगा। युवराज सिंह को बहुत चोटें लगती थी, कभी पैर में लग रही है, कभी हाथ में लग रही है, लेकिन कभी भी युवराज सिंह ने उफ नहीं किया। वो खेलते रहे, वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते थे, कि जो बेइज्जती से मेरे पिताजी को बाहर निकाला गया था उसका बदला तो मैं दे के रहूंगा। और उसका बदला इन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली लिया, क्रिकेट में सिलेक्ट होके। इनकी जो इनिशियल स्टडीज है वो डीएवी पब्लिक स्कूल में ही हुई, उसके बाद ये नवजोत सिंह सिद्धू के पास भी ले गए, जो उस समय कोचिंग दे रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी युवराज सिंह को लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनकी टेक्निक बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में युवराज सिंह ने उस पर भी काम किया, और फाइनली इनको अंडर 16 में मौका मिला। सिर्फ और सिर्फ 14 साल की उम्र में युवराज सिंह ने कमाल कर दिया, और 1996 में इनको मौका मिला पंजाब में। ये अंडर 19, पहले तो अंडर 16, और फिर 1996 में जब ये 15 साल के थे तब इनको पंजाब की तरफ से अंडर 19 खिलाया गया। वहां पे दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ था। एक आपको चीज बताना चाहता हूं, इसी दौरान दोस्तों एक और प्लेयर का उदय हो रहा था, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की भी बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मूवी भी आई थी महेंद्र सिंह धोनी पे। तो अब क्या हुआ कि एक मैच हुआ था दोस्तों 1999 में ही, रणजी का मैच था दोस्तों, और ये जो मैच था ये था जमशेदपुर के खिलाफ, आई मीन बिहार के खिलाफ, जमशेदपुर में। इसी मैच में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भी खेल रहे थे बिहार की तरफ से, और यहां पे जो पंजाब का मैच हुआ था उसमें युवराज सिंह थे, वो कप्तान थे। युवराज सिंह ने उसमें 357 रन बनाए थे और धोनी ने 84 बनाए थे। बहुत ही फेमस डायलॉग भी है, आपको याद होगा धोनी मूवी का, कि जब युवराज सिंह जा रहे होते हैं और सारे के सारे प्लेयर्स जो होते हैं बिहार के, युवराज सिंह को देख रहे होते हैं, कि बहुत, क्योंकि उस समय काफी बड़ा नाम होता है युवराज सिंह का। और उसके बाद हम मैच कहाँ हारे, यहाँ हारे। अब तो इस पे काफी मीम्स भी आने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों रणजी ट्रॉफी, पहले तो इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, अंडर 16, फिर अंडर 19 रणजी में इन्होंने खेला, रणजी ट्रॉफी में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन था। और फिर 2000 में जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, अंडर 19 ने दोस्तों बहुत ही गजब गजब के प्लेयर्स दिए हैं। स्पेशली जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, अगर आप ज्यादातर देखें तो आज जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो सब कोई अंडर 19, ज्यादातर अंडर 19 से ही चुन के आए हैं। तो मोहम्मद कैफ कप्तानी कर रहे थे दोस्तों, मोहम्मद कैफ की अगुवाई में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। लेकिन युवराज सिंह को बॉलिंग में भी इन्होंने बहुत ही कमाल किया और बैटिंग में भी इन्होंने बहुत ही कमाल किया। युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला दोस्तों, और इसमें एक तो इतनी बेहतरीन नॉक थी, सेमीफाइनल जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था तो 25 बॉलों में 58 रन बनाए थे, ताबड़तोड़ अर्धशतक। और उस समय युवराज सिंह की फिर एंट्री होती है भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में। अब यहां पे युवराज सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए। 2000 में दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनॉग्रेशन था, उस समय इसको नॉकआउट ट्रॉफी बोला जाता था, आज तो इसको चैंपियंस ट्रॉफी बोला जाता है। पहले ये 2-2 साल में होती थी, अब ये 4 साल कर दी गई है, ठीक है। तो आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी थी, भारत फाइनल में बहुत जरूर पहुंचा लेकिन न्यूजीलैंड से हार गया था फाइनल में। तो न्यूजीलैंड एक तरीके से पहला चैंपियन है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। युवराज सिंह ने डेब्यू किया और बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस किया। हालांकि जब जिस मैच में इनको खिलाया गया था केनिया के खिलाफ, उसमें ये बैटिंग तो नहीं की इन्होंने, लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरे तब इन्होंने 84 रन बना दिए 80 बॉलों पे। उसके बाद दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल था, सिर्फ और सिर्फ 14 रन ही बना पाए, लेकिन जो इनका परफॉर्मेंस था वो सही रहा था। लग रहा था कि इंडिया को एक बहुत ही गजब का लड़का मिल गया है। आने वाले जो मैचेस हुए इनको चांस दिए गए और इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो सबसे बड़ा परफॉर्मेंस आया दोस्तों, यादगार मैच सभी को याद होगा, भारत की नैट वेस्ट में जो जीत हुई थी 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ, जो फाइनल था दोस्तों, उसमें जो युवराज सिंह ने इनिंग खेली थी, मैच विनिंग इनिंग्स थी दोस्तों। और यहां पे नैट वेस्ट
सीरीज की जो शुरुआत हुई थी आपको याद ही होगा कि इसमें इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका ये तीन खेल रहे थे। श्रीलंका के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ कमाल की परफॉर्मेंस थी। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था उसमें ही युवराज सिंह ने बहुत ही बढ़िया 68 शायद रन बनाए थे उन्होंने, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था और उसको मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। लेकिन जो फाइनल खेला था दोस्तों, 326 रन बनाए थे इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था। और उस समय तक क्या हुआ था दोस्तों कि भारत सिर्फ भारत में ही जीतता था, भारत के बाहर विनिंग परसेंटेज था ही नहीं, जीरो था। और स्पेशली अगर ट्राई सीरीज होती थी या कोई टूर्नामेंट होता था तो भारत ने तब तक एक मैच भी नहीं जीता था। उस समय भारत के क्रिकेट में बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा था। उस समय भारत में जो है सौरव गांगुली को कप्तानी सौंपी गई थी। सौरव गांगुली को एक बहुत ही इंटेलिजेंट कप्तान माना गया था और यहां पे सौरव गांगुली ने प्रूव कर दिया था। सारे मैचेस कमाल के थे दोस्तों और ये युवा टीम बन रही थी दोस्तों 2002 में नैटवेस्ट में। मेरे ख्याल में बहुत लोगों ने यहां से क्रिकेट देखना शुरू किया होगा क्योंकि ये जो युवा टीम थी दोस्तों इसमें मोहम्मद कैफ थे, वीरेंद्र सहवाग आ गए थे, जहीर खान आ गए थे, आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये पूरी युवा टीम थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि 326 रन तो बना दिए, नासिर हुसैन की बहुत ही बढ़िया इनिंग्स थी तो यहां पे 326 रन बना दिए। सचिन का पूरे सीरीज में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, युवराज सिंह का भी पूरे सीरीज में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन फाइनल में 146 पे 5 हो गए थे। शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी। इसमें आपको याद होगा कि एक रोनी ईरानी ने ओवर फेंका था, उसमें युवराज सिंह ने सॉरी वीरेंद्र सहवाग ने शुरू की 4 बॉलों पे 4 चौके, 5वीं बॉल डॉट, 6ठी बॉल पे 1 छक्का मारा था। तो सौरव गांगुली, ये फाइनल में ही हुआ था जब 325 रन और 326 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने। तो यहां पे सौरव गांगुली बताते हैं कि मैंने सहवाग को बोला कि देखो बहुत ही बढ़िया स्कोर चल रहा है हमारे, 8 ओवर में 60 रन हो चुके हैं, बिल्कुल आराम से खेलो, एकदम पैनिक नहीं करना। वीरेंद्र सहवाग ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। पहली बॉल रोनी ईरानी की, चौवा। फिर उसके बाद सौरव गांगुली वीरेंद्र सहवाग के पास आए कि अब आराम से खेलो, हमको विकेट बचाने हैं, कोई बात नहीं दादा आराम से खेलूंगा। दूसरी बॉल फिर चौवा। उसके बाद दोबारा सौरव गांगुली बोले कि क्या कर रहे हो यार, आउट हो जाओगे। बोला अच्छा अब ये लास्ट है, अब नहीं करूंगा। तीसरी बॉल फिर चौवा। उसके बाद फिर जब गांगुली ने डांटा, गांगुली ने बोला कि क्या कर रहे हो, मत करो, आउट हो जाएंगे तो और प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। चौथी बार पे फिर चौवा। फिर गांगुली ने बोला कि इसको समझाना ही बेकार है, 5वीं बॉल डॉट 6ठी बॉल पे छक्का। तो सहवाग तो ऐसे ही खेलते थे, उनको मैच मतलब बॉल रोकने आता ही नहीं था, ठीक है, वो सीधा 54 छक्कों में ही डील करते थे। तो यहां पे दोस्तों 146 पे 5 विकेट आउट हो गए थे। और उसके बाद फिर युवराज सिंह आते हैं, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। युवराज सिंह ने 69 रन बनाए थे 63 बॉल्स पे, लेकिन उन्होंने रन रेट नहीं गिरने दिया था। और फाइनली पॉल कॉलिंगवुड की बॉल आई थी और उन्होंने स्वीप करने की कोशिश की थी, टॉपेज लगा था और एलेक्स ट्यूडर ने कैच पकड़ लिया था, लेकिन तब तक भारत जो है ना वो 220 के पार पहुंच गया था। और मोहम्मद कैफ ने तो कमाल की इनिंग खेली थी और भारत ये रन ये मैच जीतने में कामयाब हो गया था। बहुत ही बेहतरीन मैच था दोस्तों, यादगार मैच था, वन ऑफ द ग्रेट्स मैच को गिना जाता है। यहां से युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जगह पक्की हो गई, लेकिन मोहम्मद कैफ जैसे जैसे आगे सीरीज आती गई उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन होता गया, लेकिन युवराज सिंह और निखरते गए। उसके बाद दोस्तों 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी आपको याद होगी, क्या गजब का मैच था दोस्तों। याद होगा आपको कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल्स था, ठीक है, भारत ने 262 रन बनाए थे और यहां पे युवराज सिंह ने 62 रन बनाए थे। थोड़ा बहुत स्कोर ऊपर नीचे दोस्तों हो सकता है, लेकिन 260 के करीब बनाए थे। युवराज सिंह ने सेमीफाइनल में बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन दोस्तों यहां पे युवराज सिंह ने मैच बदल दिया था। पता है क्यों? साउथ अफ्रीका उस समय बहुत बेहतरीन टीम हुआ करती थी, बहुत ही जबरदस्त टीम। आज तो हम देखते हैं तो सारी टीम जो है वो बहुत ही कमजोर हो गई हैं, ठीक है, उनके पास बॉलर्स नहीं है। फिर रूल्स इस तरीके के आईसीसी ने कर दिए कि वो एक तरीके से बैट्समैन के फेवर में चला गया है। उस समय सारी टीमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। तो साउथ अफ्रीका उस समय ग्रेम स्मिथ थे, हर्शल गिब्स थे, इधर आंद्रे नेल थे, शॉन पोलाक थे, बहुत ही खतरनाक टीम थी। तो यहां पे साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आई, 14 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। ग्रेम स्मिथ ने मारा शॉट, पुल शॉट मारा, वो सीधा गया पॉइंट पे। युवराज सिंह बहुत ही बेहतरीन फील्डर थे दोस्तों, आपको याद ही होगा फील्डिंग में उनका नाम था, पॉइंट में ही जॉन्टी रोड्स खड़े होते थे और पॉइंट में युवराज सिंह खड़े थे। ऐसे लपक के वो कैच लिया, अनबिलीवेबल कैच था वो दोस्तों ग्रेम स्मिथ का, ग्रेम स्मिथ को चलता किया। उसके बाद दोस्तों साउथ अफ्रीका ने बना लिए 192 रन, एक ही विकेट आउट, सिर्फ और सिर्फ
ग्रेम स्मिथ का ही विकेट गिरा था, बाकी जैक कालिस जो थे वो खेल रहे थे और हर्षल गिब्स ने शतक बनाया था। अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हर्षल गिब्स को, लेकिन डिहाइड्रेशन हो गया था, तो हर्षल गिब्स जो है थे वो रिटायर हर्ट हो गए थे। इसके बाद आए बोयटा डिपेनार। बोयटा डिपेनार ने स्वीप किया, बॉल पीछे गई, और वो जो ऐतिहासिक कैच लिया है युवराज सिंह ने, आप देखिएगा यूट्यूब में, जंप करके पीछे से एक हाथों से बॉल और फील्डर के बीच में कम से कम 5 फीट का फासला, लेकिन ऐसे चीते की तरह लपके हाथ, वो बॉल वो सीधा हाथ में आई, बोयटा डिपेनार आउट, और वहां से मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से फिसल गया। फाइनल हुआ था दोस्तों इंडिया श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका ने 222 रन बनाए थे, लेकिन बारिश हो गई थी तो भारत चेज नहीं कर पाई थी, तो एक तरीके से 2002 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो ड्रॉ रही थी, इंडिया और श्रीलंका कंबाइंड विनर घोषित किए गए थे, ठीक है, तो ये चीज थी। फिर अगले ही साल दोस्तों 2003 में आईसीसी वर्ल्ड कप आ गया। वर्ल्ड कप में भी युवराज सिंह का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था दोस्तों, 37 रन उन्होंने जो ओपनिंग मैच था नेदरलैंड्स के खिलाफ 37 रन बनाए थे, फिर उसके बाद 42 और पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसमें 50 बनाए थे, और फिर केनिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल था उसमें 58, लेकिन दोस्तों फाइनल 2003 में भारत हार गया था और 24 रन ही बना पाए थे युवराज सिंह, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। इसके बाद दोस्तों 2003 के बाद की बात करें तो युवराज सिंह का जो कैरियर है वो ठीक ठाक रहा है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, कभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, कभी बहुत खराब परफॉर्मेंस, कुछ शतक भी बनाए दोस्तों, और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की भी एंट्री हो गई थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे होती रही हैं। बहुत सारे इन्होंने टूर किए, इंग्लैंड गए ये, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच वीबी सीरीज हुई थी दोस्तों, भारत जीत नहीं पाया था, लेकिन युवराज सिंह का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था, तो ये टूर करते रहे थे, कहीं पे तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं इनका परफॉर्मेंस डिप हुआ। उसके बाद 2007 में मौका आया दोस्तों, 2007 में एक और मेमोरेबल इनिंग्स खेली थी युवराज सिंह ने। 2007 में क्या हुआ था कि भारत जो वनडे वर्ल्ड कप है वो हार गया था, भारत सुपर 8 तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, राहुल द्रविड़ कप्तान थे, ग्रेग चैपल कोच थे, ग्रेग चैपल ने पूरे पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, और भारत क्वालिफाई तक नहीं कर पाया था दोस्तों, वो सबसे ज्यादा काला दिन माना जाता है भारत के क्रिकेट के इतिहास में, 2007 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जो हुआ था, राहुल द्रविड़ ने रेजिग्नेशन दे दिया, राहुल द्रविड़ ने रेजिग्नेशन दे दिया, कमान किसको सौंपी गई, सबको लग रहा था या तो युवराज सिंह कप्तान बनाए जाएंगे या फिर वीरेंद्र सहवाग कप्तान बनाए जाएंगे, लेकिन कमान किसको दी गई, महेंद्र सिंह धोनी को, MSD को, ये कमाल का डिसीजन था, बहुत ही कूल कप्तान थे। 2007 में पहली बार आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। इत्तेफाक की बात यह है दोस्तों, जब 2007 में ओडीआई वर्ल्ड कप था तो दो टीम थी जो सुपर 8 तक क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो थी पाकिस्तान, पाकिस्तान को आयरलैंड ने हरा दिया था और बाहर का रास्ता दिखा दिया था, भारत को बांग्लादेश ने हरा दिया था और बाहर का रास्ता दिखा दिया था, इन्हीं दोनों टीम का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप में, सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो T20 वर्ल्ड कप होता है और उसके बाद वो कभी नहीं भूल सकता जब युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 12 बॉलों पे 50 रन बनाए थे, अर्धशतक सबसे तेजी से जड़ा था, इतनी जल्दी क्यों सबको पता है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं, स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 बॉलों पे 6 छक्के जड़ दिए थे, विंटेज युवराज। उससे पहले कुछ हुआ था दोस्तों, आपको याद ही होगा, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने कुछ बोला था युवराज सिंह को और युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़ दिए थे, और आज भी ये एक तरीके से सोचा जाता है कि उस समय एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बोला इसलिए युवराज सिंह ने किया, तो युवराज सिंह ने इसको खुद भी क्लियर किया है कि देखिए वो रीजन था, लेकिन उससे बड़ा रीजन ये था कि भैया मुझे मारने ही थे छक्के, उस समय भारत लास्ट ओवर्स में चल रहा था, स्लॉग ओवर्स थे, तो मुझे तो खेलना ही था, उसको इतना हाइप कर दिया गया कि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने बोला, फिर मैंने छक्के मारे, वो तो ठीक है लेकिन वो मेरा काम ही था, 2020 में मारना ही होता है, और मैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में था, बहुत ही गजब के फॉर्म में थे, तो यहां पे छक्के छुड़ा दिए थे इंग्लैंड के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों सेमीफाइनल जो जीता था वो युवराज सिंह की ही बदौलत जीता था, क्यों, 70 रन बना दिए थे 30 बॉल पे, बहुत ही गजब की फॉर्म थी, जो भी बॉल लगती थी यहां पे युवराज सिंह के बैट से वो सीधा छक्के की ओर जाती थी, ठीक है, बाउंड्री लाइन पार, तो ये बहुत ही गजब की इनिंग्स खेली थी और इसी की बदौलत फाइनल में पहुंचा। फाइनल में युवराज सिंह सिर्फ और सिर्फ 14 रन ही बना पाए थे, लेकिन दोस्तों फाइनल में क्या गजब का मैच हुआ था, आज भी आपको याद होगा, एक टाइम पे लगा था कि भारत जीत जाएगा, भारत ने 160 रन का लक्ष्य दिया था और पाकिस्तान पीछा करते करते पहुंच गया था, एक ओवर में 4 बॉलों पे 6 रन चाहिए थे, लेकिन फिर वो मिसबाह ने स्वीप किया, पीछे श्रीसंत ने कैच किया, योगेंद्र यादव जो थे वो जोगिंदर यादव जो थे वो
एज अ हीरो सामने आए, ठीक है। तो भारत 2007 T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा। उसके बाद दोस्तों और बहुत सारी इनिंग्स खेली इसी दौरान, ठीक है, युवराज सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेकिन फिर वर्ल्ड कप 2011 बहुत ही कमाल का, इसमें युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। 2007 में भारत जीत नहीं पाया था और 2011 में भारत में ही वर्ल्ड कप हो रहा था, युवराज सिंह ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। युवराज सिंह की मुझे सबसे बेहतरीन इनिंग्स लगी थी दोस्तों जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था, क्वार्टर फाइनल था, और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खतरनाक टीम थी भैया, ऑस्ट्रेलिया बहुत उलटफेर करती थी उस समय। अब यहां पे अगर हम बात करें युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह ने भले ही कम रन बनाए, ठीक है, लेकिन वो जो एक छोर उन्होंने संभाल के रखा था वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। तो ये चीज थी क्योंकि एक टाइम पे ये लग रहा था कि शायद भारत जीत नहीं पाएगा, भारत के 4 विकेट आउट हो गए थे, लेकिन जब युवराज सिंह आए क्रीज पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, ठीक है। तो मैं भूल गया हूं शायद 30 रन या 32 रन बनाए थे युवराज सिंह ने, लेकिन बहुत ही अच्छे से बनाए थे, एक छोर को संभाल के रखा था और भारत को जीत की ओर ले गए थे। 4 अर्धशतक लगाए थे, एक भी शतक नहीं लगा पाए थे वर्ल्ड कप में, लेकिन 4 अर्धशतक लगाए थे, टोटल 362 रन बनाए थे और 15 विकेट लिए थे, तो बहुत ही बढ़िया। और यहां पे जो फाइनल मैच हुआ था उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ युवराज सिंह क्रीज पे थे, ठीक है, तो जीत तक ले गए थे और वो सबसे ज्यादा यादगार मोमेंट था। वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज सिंह बताते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे कैंसर बताया गया था, लंग में उनको ट्यूमर था दोस्तों, ठीक है, राइट लंग में स्टेज 1 का ट्यूमर था। तो वर्ल्ड कप में भी जब ये खेल रहे थे तब भी इनको बहुत दर्द था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने खेला और बहुत ही अच्छे से खेला। उसके बाद ये अमेरिका चले गए, 2012 में युवराज को डिस्चार्ज किया गया और 2012 से फिर इन्होंने खेलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद दोस्तों इनका वो उस तरीके से करियर फिर हो ही नहीं पाया जिस तरीके से होना चाहिए था, ठीक। 2012 में T20 वर्ल्ड कप था, युवराज सिंह इसका पार्ट थे, ठीक था सब कुछ, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं निकली युवराज सिंह के बदले से, कभी निकलती थी कभी नहीं निकलती थी, वो कंसिस्टेंसी जो थी वो युवराज सिंह के बदले से खो गई थी। उसके बाद दोस्तों 2014 में वर्ल्ड कप था, आपको याद होगा कि उस समय श्रीलंका से फाइनल था और युवराज सिंह ने अभी जब रिटायरमेंट पे इंटरव्यू दिया था तो युवराज सिंह ने कुछ वर्स्ट इनिंग बताई थी, उसमें उस इनिंग को बताया था 2014 में जो आईसीसी T20 का फाइनल था श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें युवराज सिंह ने 21 बॉलों पे 12 रन बनाए थे, आपको याद होगा, सॉरी 21 बॉलों पे 11 रन बनाए थे। युवराज सिंह के बैट से बॉल लगी नहीं रही थी और ये आखिरी के ओवर्स थे, लसित मलिंगा ने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की थी, ठीक है, यॉर्कर पे यॉर्कर, और तब युवराज सिंह ने अभी बोला था कि तब मुझे ऐसा लगा था कि मेरा करियर अब खत्म हो गया, अब मैं शायद कभी भी वापसी नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद दोस्तों वो वापसी कर ही नहीं पाए, 2015 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, इनफैक्ट इसमें 5 सीनियर खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया गया था जिसमें वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर भी शामिल थे 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और यहां पे भी एक पूरी युवा टीम लेके गए थे, लेकिन 2015 में भी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत जीत नहीं पाई थी, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। और फिर दोस्तों 2015 के बाद जितनी भी इनिंग्स हुई है ज्यादातर उसमें युवराज सिंह का कोई बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स नहीं खेली, और फाइनली दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी में उनको सिलेक्ट किया गया, उन्होंने बहुत ही बढ़िया यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ 53 रन बनाए थे, बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी, और 2017 के बाद एक तरीके से उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेला, आईपीएल वो खेल रहे थे, आईपीएल जब शुरू हुआ था तब तो पंजाब के कप्तान थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था आईपीएल में, लेकिन 2017 के बाद युवराज सिंह की वापसी बिल्कुल ही एकदम हो ही नहीं पाई, और अल्टीमेटली 2019 में युवराज सिंह ने ये सोचा कि अब मैं रिटायर हो जाता हूं, और फाइनली उन्होंने सारे फॉर्मेट्स ऑफ द गेम अभी पिछले हफ्ते 10 जून को ये अनाउंस किया कि मैं रिटायर हो रहा हूं। तो दोस्तों ये एक एरा का एंड है, मेरे पर्सनल फेवरेट रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा मानता हूं युवराज सिंह को और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कसम की इनकी स्टाइल है, क्या स्टाइलिश प्लेयर है, बैकलेफ्ट इतनी बढ़िया, एक तो वैसे ही लेफ्ट हैंडर्स बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर्स होते हैं और युवराज सिंह तो खेलते भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन कहीं ना कहीं युवराज सिंह को फेयरवेल बहुत ही अच्छा देना चाहिए था, उनको सिलेक्ट करना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। खैर ये तो मैनेजमेंट का काम है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इनको फेयरवेल देना चाहिए था, इनको ही नहीं कोई भी अगर रिटायरमेंट लेता और अगर उसने भारत के लिए इतना अच्छा किया है तो जो फेयरवेल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये चैरिटी भी करते हैं दोस्तों, इन्होंने काफी कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया है, यूवी कैन नाम से इनकी संस्था है, ठीक है, जो कि कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करती है, कैंसर से इन्होंने जो बैटल लड़ी है इसमें ये अपने परिवार वालों को और अपने फैंस को और अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं, पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो रहा है। हेजल कीच से इन्होंने शादी की, ठीक है, हेजल कीच से भी बहुत ही बढ़िया इनका रिश्ता रहा है, और
फेसबुक पे इनकी मुलाकात हुई थी, और पहले तो हेजल ने इनको बिल्कुल भाव नहीं दिया था, ऐसे युवराज सिंह बोलते, लेकिन बाद में मुलाकातें हुई और फाइनली 30 नवंबर 2016 में हेजल कीथ से शादी हुई। हेजल कीथ जो कि मॉडल रह चुकी हैं, कुछ मूवीज में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये चीज है, ये लेक्चर था दोस्तों युवराज सिंह पे, एक ट्रिब्यूट था स्टडी आईक्यू की तरफ से। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वर्ल्ड कप चल रहा है तो क्रिकेटर्स की बायोग्राफी आती रहेंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।